दरख्तों का बाबा है ये, लिटरली ये दरख्तों का बाबा है। इसका ट्रंक देखिए, तना देखिए, इसका तना देखिए। मेरा हाथ तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये दरख्तों का बाबा है, इसको किसी ने लगाया या ये ख़ुद यहाँ पे किसी परिंदे ने इसका बीज गिराया, ये कैसे होगा, ये कब से उग रहा है, इसने क्या कुछ देखा यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में। अगर हम इसकी कंप्लीट बोली बोलते तो शायद हमें पता चलता। ये फैला हुआ है बिल्कुल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये देखिए इधर तक गया हुआ है, 25-25 फुट सारे तरफ फैला हुआ है, 30-30 फुट फैला हुआ है। ये देखिए, ये इमली का दरख्त है, ये कुछ वो दरख्त हैं जो हमारे यहाँ बाग में लगे हुए हैं, घर पे लगे हुए हैं, जो मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। There you go. ये देखें, ये इसकी शाखें फैली हुई हैं, ये फैला हुआ है वो उधर तक, और ये अब भी सीज़न में इमली देती है। यहाँ पर एक और इमली का किसी टाइम बीज गिरा होगा, वो उग गया है, और इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसने इस दरख्त को यहाँ पर इंटरप्ट किया है, वरना ये इसकी शाखें उधर तक गई हुई होती, इसीलिए ये शाख भी जो है कमज़ोर हो गई और ख़त्म हो गई। इस तरफ कोई शाखें नहीं है। ये देखें, जस्ट लुक एट द ट्री। क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है टू डिस्क्राइब इट, आपको मैं क्या बताऊँ इस दरख्त के बारे में, सिर्फ देखें इसको, जस्ट लुक एट इट एंड एन्जॉय द ट्री। दिस इज़ वन ऑफ द जायंट्स। जब मैं बात करता हूँ दरख्त ऐसे लगाएं, इस तरह लगाएं कि वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार लें, तो वो जायंट्स बन जाते हैं। देव, किसी देव के नीचे आप उसके साये में खड़े हों, देखें क्या आपको फीलिंग मिलती है, इसमें क्या मखलूक होती है। सीज़न बाय सीज़न इसकी मखलूक भी चेंज होती है, इसका लुक भी चेंज होता है। इसको दरख्त कहते हैं। जब आप पौधा लगाने जाते हैं, वो छोटा पौधा होता है, दरख्त का बच्चा होता है, बड़ा होके वो दरख्त बनता है। ये है दरख्त।